हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मसाला। उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इंग्रेडिएंट्स में आप देख लीजिए, ये ऑनियन है, हम दो कट कर लेंगे ऐसे, हम छोटे छोटे ही कट कर लेंगे। हमने ऐसी लंबी वाली प्याज कट की है, आप देख सकते हो। पहले आप एक कढ़ाई ले लीजिएगा, यहाँ हमने कुकर लिया है, उसमें आप ऑयल ऐड कर दीजिएगा। अब देख सकते हो इतना आप ऑयल ऐड कीजिएगा। हमको ऑयल ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने ज़्यादा ही ऐड किया है। फिर हम इसमें ये सारे डाल देंगे इंग्रेडिएंट्स। ये दालचीनी है, ये लौंग है, जावित्री है, ब्लैक पेपर है, और ये सारे हम डाल देंगे इसमें। फिर ये हम प्याज ऐड कर देंगे इसमें, ऑनियन हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से पकने देंगे, सेकने देंगे हम इसे ब्राउनिश गोल्ड होने तक। आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ऑनियन ब्राउनिश गोल्ड हो चुकी है। फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और अच्छे से सब कुछ मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए धीमी आंच पे। इसमें हम 1 स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। आप देख सकते हो ये 10 मिनट हो चुकी है था। फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी हमने ऐड कर दिया है। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे सब कुछ। फिर हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे 1/2 स्पून। फिर हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 स्पून भर कर। और फिर हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे 1 स्पून भरकर, और ये हमने 2 स्पून ऐड कर दी है। और अच्छे से आप सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा आप। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, मसाला जल ना जाए इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर। फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से सब कुछ मिक्स कर देंगे। तब तक के हमारा मसाला पक ना जाए तब तक हम पकने देंगे। तेल थोड़ा रिलीज हो रहा है इसमें से। फिर हम इसके अंदर थोड़ा चिकन मसाला डालेंगे, जो पैकेट आती है वही चिकन मसाला हम ऐड कर देंगे इसमें, और 1 स्पून भर कर हमने ऐड कर दी है, आप देख सकते हो। और अच्छे से सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा आप। लिया है, 2 टमाटर डाले हैं और हरा धनिया डाला है इसके अंदर, और हमने अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ हमारा मसाला पक चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। फिर हम इसमें जो हमने प्यूरी बनाई थी वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, आप देख सकते हो हमने ऐड कर दिया है इसमें। और अच्छे से सब कुछ मिक्स कर देंगे। फिर हम इसके अंदर पानी डाल के वो भी निकाल लेंगे। हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसलिए हम ग्रेवी वाला बनाएंगे, इसलिए हम 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे इसमें। आपको जितना चाहिए आपके हिसाब से आप बना सकते हो। फिर हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे।